मेरा नाम राहुल दुबे है, मैं 2016-19 BCA बैच का हूँ और मेरा प्लेसमेंट हुआ है कॉग्निजेंट में। Alright, so we have got Rahul, Cognizant में placed है 2016 to 19 session का। मेरे को लग रहा है तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसके सीनियर हैं। Yes, no? Yes, sir. Alright. My name is Ankesh Kumar, batch 1518, BCAQU, currently posting in Patna, in FinTech company, Penny Advice. Alright. Myself Rakesh Kumar, my batch is 2015-18, BCAQU, currently posting in Wipro at Bangalore. और अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है ना? करंटली वर्किंग फ्रॉम फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फ्रॉम होम? सिंस 2020 काफी लंबा समय हो गया। माय नेम इज जयदीप, आई बिलोंग टू 2013-16 बैच एट यू। 2016 I passed in 2018. Currently, I am in Wipro. It has been almost from 2 years. Almost, I am doing work from home. तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और तुम लोग अभी पटना में हो ना? मैंने ज्वाइन किया था जब मैं किसी को नहीं जानता था। फर्स्ट थिंग वाज कि सर जैसे मैंने कॉलेज में जब पहली बार आया था तो आई लाइक द यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड स्टिल दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। एंड उसके बाद सरस्वती पूजा वाला इवेंट सर, वो सब लगे पड़े उसमें, कोई ये डेकोरेशन कुछ वो डेकोरेशन, और सबका एम यही है कि मेरा ब्रांच सबसे अच्छा। हमारी थोड़ा रिजल्ट भी नहीं आया था और हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, हम वहाँ स्टार्ट कर दिया था हमने काम करना। ये बहुत अच्छा था कि हमें कभी भी मतलब एक वेटिंग पीरियड नहीं रहा हमारे लाइफ में। जैसे हमने कॉलेज खत्म किया तुरंत हमने ज्वाइन कर लिया। ये सबसे अच्छी बात हो रही है बिकॉज ये जो एज है तुम लोगों का जो इंटरमीडिएट पास करके हमारे पास आते हो, इंटरमीडिएट पास का मतलब हुआ कि मैट्रिक किए हुए तुमको 2 साल हुआ होता है, स्कूल के निकले हुए तुम लोग बच्चे होते हो और जैसे ही हमारे पास आते हो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर करियर। हम सीधा तुमसे बात करने लगते हैं कि करियर में क्या करोगे, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है नहीं कि केवल हम पढ़ाएं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जॉब में जाएं। तो हम करियर के बारे में बात करने लगते हैं और जैसे ही ग्रेजुएशन होता है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू तुम लोगों को जॉब मिल जाता है। हाय, आई एम अतुल from the very first batch of image. True. हाँ ये बात है, from the very first batch. इसीलिए बच्चा लोग का हम लोग को थोड़ा ज्यादा कनेक्शन है क्योंकि हम लोग का भी पहला बैच था और बहुत सारे यादें जुड़ी हुई इसके बैच से, जितना तरह का एक्टिविटीज हम लोगों ने किया था। फ्रॉम 2009 एंड 12 बैच। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन मॉर्निंगस्टार, इट इज फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन, राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। ओके, अंकेश कुमार। अंकेश, तुम मैसेज में पोस्ट पे कमेंट किए थे सर, मैं पटना ही पोस्टिंग हूँ, फिनटेक कंपनी में हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ यहाँ पर। पे नियर बाई, पे नियर बाई का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा चल रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह में भी। और कॉम्पिटिटिव कंपनी जिसकी स्पाइस मनी है, जीपी पे है, इनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो तुमको ये स्टार्टअप बड़ा लग रहा है कि अभी स्टार्टअप कंपनी है सर। मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था 2018 में, उस समय मैं लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। क्या ईसॉप भी मिल गया है? क्या ईसॉप भी मिला है क्या? ये सर कंफर्म नहीं है, उस समय मैं ज्वाइन किया था मेरा पैकेज सर मेरे को मिला था 1.8 का मात्र। अभी सर मेरा पैकेज 6 लाख का है। 6 लाख आपके 3 ईयर पटना में 6 लाख का जो है, वेरी डिसेंट पैकेज। हमारा कोर्स क्या था यहाँ पर? मेरा बीसीए था, बीसीए था। देन आफ्टर सर मैं ज्वाइन किया वहाँ पे, फिर मैंने डिस्टेंस से एमबीए किया। इस कंपनी में मैं सर आईटी में तो नहीं हूँ, एज अ सेल्समैन मैं हूँ, ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड। मेरे अंडर सर 300 लोग काम कर रहे हैं। आप कितने लोग काम कर रहे हैं? 300 लोगों को तुम गाइडेंस दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, वेरी गुड थिंग। मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ पे जिम क्वेरी किया सर बीबीए के लिए। फिर आपने इंटरव्यू लिया था, आप बोले कि तुम बीबीए क्यों कर रहे हो, तुम जब इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो तब बीसीए करो। वो मेरा काम है, मैं बीसीए लिया। लड़के लाइक नहीं करते इस चीज को, हम जो आता है बीसीए के लिए उसको बोलते हैं कि तुम बीबीए के लायक हो, वो उसको बोलता है नहीं सर हमको बीसीए ही चाहिए, हमको तो वही चाहिए।
और जीत लगेगा फकीर, तुम मान गया मेरा बात तो देखो तुमको फायदा हुआ, तो बात नहीं मानते हैं उन लोग, मैथ में उसको नंबर ही नहीं आ रहा है, ठीक है कुछ आ ही नहीं रहा है उसको, हम बोल रहे बेटा तुम बीसीए नहीं कर पाओगे, नहीं सर मतलब उनको, और दूसरे जगह गया वहाँ बोला कि तुम बीसीए कर लोगे, तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते ना, हमको तो देखना है कि कैंडिडेट को क्या सूट करेगा, तो मतलब क्या है बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे कि तीन साल बैकलॉग हो चुका है, सिचुएशन है कोर्स पटना में, समझ ही नहीं है क्या करें, अब तीन साल छूट चुका है, तीन साल फ्रेंड्स, जब तुम यहाँ तीन साल पढ़े तो तुमको लगा कि भाई छूट रहा है या फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, हर दिन कुछ नया था ना, बिल्कुल हर दिन प्लस डे, यस सर यही कॉन्सेप्ट है। मेरा सर नाम राकेश कुमार है, अभी करंटली मैं बैंगलोर में पोस्टेड हूँ कंपनी, और एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ मैं जीएसके फार्मास्यूटिकल के लिए, क्रेडिट पूरा हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू ने ईमेल दिया था, तो उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच मेरे को बोला था कि ये भी जब तुम को जानते हो, हाँ उनके बारे में दो चार ऐसे सेंटेंस बोले जो कि हाँ दिल को छू गया कि नहीं एग्जैक्टली ये पॉसिबल है हम लोग कर सकते, वहाँ से और फेसबुक पे तुमने पोस्ट एक बार शेयर किया था, तो मेरे को फ्रेंड ने बोला कि कॉलेज से तेरा फोटो पोस्ट हुआ है, बोला कि क्योंकि मैं फेसबुक उतना चला नहीं पा रहा था इस साल से, इस साल गए थे विप्रो में, मेरा बैच था 2015-20 है, हम लोग 20 बैच में 18 में तो रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है ना, हमारे बैच से लगभग झाड़ू बाहर करके ले गया था ऑलमोस्ट 30 में से 20 सेलेक्ट हो गए थे हम अपने बैच से, अरे वही कई बार आए, बच्चे गए, ठीक है, और सिर्फ वही नहीं जा पाया, एक दो बच्चा लिखा भी है जिसका कि मैथ वगैरह का इश्यू था, क्वालिफाई नहीं कर पाया, अदरवाइज सेलेक्ट, अभी विप्रो में तुम्हारा वो बीटेक पूरा नहीं ना हुआ, एमटेक पूरा नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, अब एमटेक जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो 2 लाख रुपए नकद भी मिलेगा, उसमें से 1 लाख भिजवा दोगे, पैकेज अच्छा आएगा तो, अरे उसके बाद प्रमोशन बहुत तगड़ा मिल रहा है, तुम देख लो जितना से प्रमोशन मिल रहा है लोगों को, अभी अभी तो आग लगा हुआ है, कुछ खबर तुम लोगों को है कि नहीं है, 16 लाख 17 लाख 18 लाख 20 लाख वाला आने वाला है, पुरुषोत्तम जो है मतलब बेसिकली मैं बीएचआईटी पुरुषोत्तम उसको विलेज में लग गया पुणे में, उसको भी अच्छा हाइक मिला है, 8 लाख उसका पैकेज, 9 लाख उसका पैकेज, तो उससे और उसका भाई 15 लाख 20 हजार तो आके मिल गया है, मिल गया निरंजन, कल वीडियो में देखा लेकिन फेस नहीं दिख पाया, नहीं कल आया है निरंजन, 15 लाख 20 हजार का उसको पैकेज मिला है जेनपैक्ट में, ठीक है, तो उसने ही लिखा था कि भाई 270% का भी ग्रोथ मिल रहा है, मेरा नाम जयदीप है, जयदीप तो उस पे काम कर रहे थे कॉग्निजेंट, वेरी गुड, तुमसे मेगा मैम बात करी थी कि हमको डिजिटल मार्केटिंग कुछ करवाना है, करो तो भाई हम लोग को जरूरत है, हम लोग का पैसा दे देंगे, मेरा बैच 2013-16 स्टूडेंट लोग को भी तो क्या करे, बैच 2013-16 टारगेट कॉर्पोरेशन टारगेट यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रांच का बैंगलोर का, वो ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली, target.com जैसे amazon.com, टारगेट का अपना कॉम्पिटिटर है, देखिए सेल्स फोर्स बड़ा तगड़ा हायरिंग कर रही है अभी, जो CRM कंपनी है, CRM कर रहे हैं जो CRM, लेकिन मार्केटिंग CRM ज्यादा करती है, बहुत तगड़ा पैकेज दे रही है जी, और तुम टारगेट बोले एक और कंपनी है टावर रिसर्च, टावर रिसर्च तो पैकेज के मामले में सबसे ही आगे चल रही है, लेकिन वो एल्गो पर काम करती है, मार्केट स्टॉक मार्केट की एल्गो ट्रेडिंग पर, खाली IIT से उठाती है, क्रीम को उठाती है और एकदम करोड़ों का पैकेज दे दे रही है, तो क्या रिक्वायरमेंट है सर हर चीज के लिए, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैंने लाइक फर्स्ट कंपनी थी डीजीसीआर वर्क एजेंसी थी जहाँ पे रियल एस्टेट के लिए मैंने काम किया था, बैंगलोर से रियल एस्टेट की कंपनी है, तो उसपे मैंने तो अमेजन के लिए भी काम किया, अभी करेंटली आई एम वर्किंग फॉर अमेजन कॉग्निजेंट, मेरा क्लाइंट अमेजन है, सो आई यूज्ड टू हैंडल मोर देन 100 ऑफ ब्रांड्स, जहां पे हमें बजट हैंडल करना पड़ता है अबाउट करोड़,
अच्छा तो मीडिया प्लान्स करना होता है हम लोग का तो छोटा बजट है उसका तो कहां ध्यान दोगे बट करोड़ का बजट हैंडल कर रहे हो तो ये चीजें हैं जो हमें मदद करती है रेडी है सही हुआ एक्सीलेंट तू पटना के ही हो हां पटना के कहां रहते हैं लालजी को लालजी मीडिया बिल्डिंग के जस्ट पीछे तो पापा मम्मी खुश है कि नहीं खुश है बहुत खुश है लेकिन उनको ये भी लगता होगा बेटा दूर चला गया हाँ लगता है बट उन्हें लेके जाएंगे हम मैं इस इमेज में 2013-16 बैच का हूँ कृष्ण बुनल नाम में और जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था 2016 में विप्रो कंपनी आई थी वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था इंटरव्यू में भी जो यहाँ का जो पढ़ाई था वो मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो एड ऑन कोर्सेज कराया जाता है एड ऑन कोर्सेज में मैंने एंड्रॉयड का किया था एंड्रॉयड का हो गया फिर PHP का कोर्सेज मैंने किया था फिर रोबोटिक्स का कोर्सेज था तो मुझे इंटरव्यू में वहाँ से पूछा गया था कि आप BCA में कौन सा प्रोजेक्ट बनाए थे तो मैंने यहाँ पे PHP का एक वेबसाइट डेवलपमेंट किया था तो मैंने वो बताया था कि बैकएंड में मैंने MySQL यूज़ किया था वो क्यों यूज़ किया था वो बताया फिर एमटेक में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरा USB ड्राइवर डेवलपमेंट का था जो मैंने वहीं इंटर में ही सीखा था फिर उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था वहाँ के एक डिबग टेक्नोलॉजी है उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया था फिर उस बेसिस पे फिर वहाँ पे मेरा इंटर में सिलेक्शन हुआ 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था मेरा और जो मेरा जो हाइक मिला मुझे वो ऑलमोस्ट 250% का हाइक है अभी में जो मेरा पैकेज था वो 5.75 था आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक और अभी जो मेरा इंटर का पैकेज वो 20 लाख है और इवन दिस 20 लाख आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉक्स सो इफ आई इंक्लूड स्टॉक देन इट विल बी अराउंड 23 लाख वाह बहुत बड़ी तो ये अभी है और इसका जो सारा क्रेडिट है वो नीरज सर मेघा मैम और प्रदर्शक को जाता ही है कृष्ण कुमार 2013 में जब तुमने ज्वाइन किया था मैं पटना का ही हूँ और जब मैं आया था वो भी मैं बताना चाहता था पहले तो जब मैं एक्चुअली एडमिशन लेने AN कॉलेज जा रहा था तो मैं इधर से ऑटो से जा रहा था तो मैंने यहाँ के स्टूडेंट को जाते हुए देखा तो उनका जो ड्रेस था वो यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ऑटो को रुकवाया और उन लोगों से मैंने पूछा कि ये कॉलेज कैसे है पढ़ाई कैसी होती है तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उसके बाद मैं यहाँ पे आके अप्लाई किया मैंने बोले कि हाँ पढ़ाई अच्छी होती है अब आ जाओ तो फिर जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मैंने वो पोदार सर ने लिया था फिर मुझे इन्होंने बोला कि आपको ब्रिज कोर्स करना होगा क्योंकि मेरा मैथ भी कम वीक था उस टाइम आई थिंक 13 में सोचे थे कि यहाँ तक पहुँच पाओगे एक्चुअली मैम मेरा एम तो था अभी एक्चुअली अगर आप कहीं फर्स्ट फ्लोर या किसी बिल्डिंग में चढ़ते हो आप तो आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाओगे आपको स्टेयर सीढ़ी पे चढ़ना होगा राइट एक एक करके तो ये मेरा एम है और आगे भी इसे और आगे भी जाना है मुझे तो ये एक तरह से मेरा एक सीढ़ी है मैं यहाँ तक अभी पहुँच गया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये चीजें शुरुआत में पता नहीं होती पता नहीं होती कि लोग बहुत खुश हैं हाँ वो बहुत ज्यादा खुश हैं पहली सैलरी से क्या किए थे पहली सैलरी से मैंने मम्मी को एक साड़ी दिया था ये तो तुमको बोलवाए बोले भी है कई बार और अभी जो सैलरी मिली उसे मैंने पापा को एक फोन दिया है और मेरा प्लान भी है पापा को वहाँ बैंगलोर में शिफ्ट करने का बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत और भी जो पापा भी जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब छुड़वा के मैं अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं ही सब इंटेल कॉर्पोरेशन नाम सुना क्या सुना है इंटेल इनसाइट जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रोचिप और प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है वहाँ पर ये डेवलपमेंट के वर्क में है और ज्यादा नहीं इनको मात्र 20 लाख का पैकेज मिल रहा है और 23 लाख का ठीक है तो तुम लोग ये सपना देखो कि तुम लोग भी इस मुकाम तक पहुंचोगे लेकिन कृष्णा ने भी मेहनत करी और ऐसा नहीं है कि एक बार की अचानक से कोई जादू की छड़ी घूमती है और कोई सफलता मिल जाती है तो इसने भी मेहनत करी इसने भी विप्रो वगैरह में बहुत दिन मेहनत करी वहाँ पर भी सीखा और फिर किस तरीके से एक मुकाम तक पहुँचा अभी पीछे कल निरंजन आया था जो जेटपैक में था उसी तरीके से अमन भारद्वाज जिसको अभी अपग्रेड में 17 लाख मिला है प्रशांत आयल को 16 लाख मिला है आशीष आया 14 लाख के पैकेज में गया तो ये लगातार आप लोग के बीच छात्र आ रहे हैं कल वो अनिल सरस्वती आया जो कि एमडॉक्स में है वहाँ 11 लाख का पैकेज उसको मिला है और उसने 16 लाख के पैकेज को छोड़ा नहीं क्योंकि उसको जो काम करना था वो जिस जगह पर मिल रहा था वो ज्वाइन किया ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा पैसा दे देगा वहां पर जाने को तैयार हो जहां मन लाइक काम मिल रहा है जिस सेक्टर में ग्रो करना है उस सेक्टर के लिए वो उसको ज्वाइन किया जिस सेक्टर में उसको इंटरेस्ट कम है
सैलरी ज्यादा था, वहाँ नहीं ज्वाइन किया। ये हमारे बच्चे की हिम्मत भी है और उसकी सफलता भी है, उसकी काबिलियत भी है। देन वी हैव गॉट रोहित, ये भी विप्रो में है। ये सब लोग अभी अपडेट आईटी कर रहे हैं, जितने विप्रो वाले हैं हैंड अप करो यहाँ पर। सबसे पहले जब मैं सिमेज कॉलेज ज्वाइन की थी, आई वाज नथिंग। मेरा कोर्स अकेडमिक्स ख़त्म हुआ था, तो आई वाज कंफ्यूज कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए। घर का प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब करना, मेरे को इंटरेस्ट था टेक्निकल फील्ड में। फिर मैंने सिमेज चुना, फिर उसके बाद बीसीए चुना। उसके बाद सर लोग का इतना ज़्यादा कोऑपरेशन था कि जितना भी एक्स्ट्रा वर्कशॉप हुआ था वो हमारे को टीसीएस में बहुत हेल्प आया था। जैसे इन्फॉर्मेटिका हुआ, रोबोटिक्स हुआ, अभी आप लोग के लिए डीप लर्निंग और कितने सारे कोर्सेज आप लोग को अवेल किए जा रहे हैं, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हमारे टाइम में ये सब डीप लर्निंग नहीं था, लेकिन जितना था उतना हम लोग अवेल किए थे। और ये सब चीज़ हम लोग को आईटी सेक्टर में काम दिया था। जब जितने दिन भी मैं टीसीएस में रही थी, यहाँ का सारा एक्सपीरियंस, यहाँ का स्किल्स, यहाँ का मतलब अपने आप को रिप्रेजेंटेशन, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये सब यहीं का काम आता है बाहर में। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आपको बेस नॉलेज सही है तो ही आप गवर्नमेंट सेक्टर को क्लियर कर पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी बात होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो पोद्दार सर हमारे को किए थे। पोद्दार सर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो था, अपने आप को कैसे एक इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपका हायरिंग हो रहा है तो अपने आप को कैसे, अगर आप नॉलेजेबल हैं लेकिन खुद की नॉलेज को आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे कि हाँ आई नो दिस, तो वो फिर नॉलेज बेकार है। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली आप लोग को, सिमेज जैसा प्लेटफॉर्म मिला, इसको अवेल जरूर करें, क्योंकि आज यही प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग प्रोडक्ट हैं, यही रिसोर्स था हमारा। जब मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था, जब मेरा जो फर्स्ट सैलरी था वो 13,000 था, तो 13,000 से यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा बात है। तो अगर आप लोगों का प्लेसमेंट चाहे वो 10,000 में हो या 12,000 में, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बस एक स्टार्ट होता है, राइट। तो फिर आप वहाँ से कहीं तक भी जा सकते हो, राइट। तो प्लेसमेंट कहीं पर भी हो, आप प्लीज़ वो प्लेसमेंट लो। और सिमेज में आए हो तो यहाँ से प्लेसमेंट का कंपनी अच्छी हो, कंपनी अच्छी हो और प्रोफाइल अच्छा हो, सीखने का अवसर हो, ये ध्यान दिया जाता है। ये मत सोच के जाओ कि आपको पैसे कमाने वहाँ, ये सोच के जाओ कि आपको वहाँ पे और सीखना है, फिर वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अच्छा पैकेज लेके निकलना है आपको। तो ये और आजकल लेकिन थोड़ा सा हर कंपनी ने स्टार्टिंग स्केल भी बढ़ा दिया है। अब विप्रो का ही स्टार्टिंग स्केल जो है वो 3,00,000 के ऊपर हो चुका है। अब ICICI 3,47,000 पिछले साल दे रही थी, अब और बढ़ा दे रही है, तो स्टार्टिंग स्केल बढ़ गया है। अच्छी बात है, बढ़ जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो शुरुआत है, उसको आता नहीं, वहाँ से जहाँ तुम जाते हो वो बहुत बड़ी बात है। फिर जो आपका एम होना चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होना चाहिए। आई थिंक आपका बीडीए को तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैं आईटी वालों को ये सजेस्ट करूँगा कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एम बना के चलें, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप एंटर हो सकते हो, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है वो आपको आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नॉलेज पे ही वो आपको हायर करेगी। इनके केस में क्या है कि कंसल्टेंसी का टाइप का जॉब मिल जाए इनको, अगर जैसे अतुल अभी यहाँ आ नहीं पाया, वो भी आने वाला है, अभी उस ब्रांच में था और वो कंसल्टेंसी कर रहा है, HNI क्लाइंट्स को देख रहा है और फिनेंशियल के सेगमेंट में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है वो। तो BBA के जो मैनेजमेंट के जो सबसे प्लस जॉब है वो कंसल्टिंग में है, वो तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है BBA का जो प्लस जॉब है, और उसके अलावा फिर वो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, तो कहीं ना कहीं उसमें BBA में, जहाँ स्ट्रैटेजी में है, या फिर अगर आप मल्टीपल सेक्टर का एक्सपोजर जो लोग ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले गए सेल्स ज्वाइन किए, फिर कुछ दिन तक HR में काम किए, कुछ दिन तक फिनांस सेगमेंट को देखे। जब तक आपके पास मल्टीपल डोमेन नॉलेज नहीं आता है तब तक आप हायर लेवल पर नहीं पहुँच सकते हैं। जिसके पास सिर्फ सेल्स का ही एक्सपीरियंस है वो सेल्स में ही बंदा खप जाएगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा फिनेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ साल उसमें भी काम किया, कुछ साल तक ऑपरेशंस देखा, कुछ साल तक मार्केटिंग भी देखा, सेल्स भी देखा, ठीक है, वो बंदा जो है, वो जो आदमी है वो टॉप लेवल पे जाएगा। अगर CEO मटेरियल बनना है किसी को MD CEO डायरेक्टर बनना है, चीफ पोजिशन में जाना है, तो फिर मल्टीपल डोमेन चाहिए। मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ।
आई थिंक मैनेजमेंट का भी बहुत सारा एड ऑन कोर्सेज होता है। हाँ, तो वो सा प्लीज अवेल करो। अभी तो लोगों को सबसे बड़ा कोर्स बजाज फाइनेंस का दिया गया है, तो लोगों ने ज्वाइन भी किया है, वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि इंटरव्यू में भी जो भी पढ़ा हुआ है, जो जो भी आप पढ़ोगे यहाँ पे वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प वो करेगा ही। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जो भी एडवांस कोर्सेज हुआ था, चाहे वो एंड्रॉयड का हो या फिर पीएचपी का हो, वेबसाइट डेवलपमेंट, वो सब मुझे हेल्प किया है वहाँ पे। इवन इंटेल के भी प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प किया है। मेरा बैच 2016 था, पास आउट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टेक्निकली कहाँ कहाँ जॉब कर सकती है, बट अगर ऐसा होता है टीम में कि बहुत लोगों को टेक्निकली नॉलेज नहीं है, जिनका मैथ्स वीक है या फिर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ जाता है आगे चलते, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो, वैसे होते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग, विच आई एम डूइंग। तो मेरा इसमें शुरू से इंटरेस्ट था बिकॉज मेरे फादर। तुम्हें एक बात बताओ कि क्या मैनेजमेंट का स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? बेस्ट है उनके लिए, बेस्ट है। सारे ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी कर सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो ट्वेल्थ भी कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसिंग काम अपना शुरू कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एमएनसी में अगर काम करना है वो ग्रेजुएट मांगते हैं, सिंपल का, कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग हो, वो सिंपल बीसीए बीबीए जो भी आपने लाइन चुना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ पे एकेयू से मैंने किया है बीसीए। मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप कोई भी कोर्स करते हैं और खासकर जब आप सीमेंट से करते हैं, तो आपको सिर्फ कोर्स मटेरियल ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी प्रेजेंटेशन बनाना होता है, असाइनमेंट बनाने होते हैं, जो कुछ भी बनाना होता है। अभी एट दिस पॉइंट मैं अभी आपकी जगह पे था तो मुझे भी लगता था कितना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है। बट ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं ना कि आईटी प्राइवेट में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, अगर आपने उस सीमेंट का वो प्रेशर हैंडल कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं। प्राइवेट सेक्टर में बोला जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा, सरकारी से जितना कम होता है। हम लोगों ने सुबह 9 से 6 तक का भी क्लास किया।